दोस्तों, आप रोजाना शैम्पू, फेस क्रीम, लिपस्टिक या फिर ऐसी ही कई तरह की कॉस्मेटिक चीज़ों का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ें आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है और इन्हें बनाने में कितने खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें फैक्ट्री में कैसे बनती है और इन्हें बनाने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके बारे में आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप हमारे चैनल इन फैक्ट्री पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देख सकें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति अपने बालों की गंदगी साफ करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये फैक्ट्री में कैसे बनता है और इसमें कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? क्या यह हमारे बालों के लिए हानिकारक होता है या फ़ायदेमंद, इसके बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। फैक्ट्री में शैम्पू बनाने के लिए एक बड़े से मिक्सचर में पानी भरकर इसमें सिट्रस एल्कोहल, सिट्रिक एसिड तथा शैम्पू को रंग देने के लिए कलर पिगमेंट और यूरिया डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने से हाई विस्कोसिटी वाला फ्लूड बनता है, जिसे हम शैम्पू कहते हैं। पूरी तरह बनकर तैयार होने के बाद शैम्पू की खाली बोतलों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। फिर इन बोतलों में शैम्पू भरकर इन्हें ढक्कन लगाकर बंद कर दिया जाता है और आगे भेज दिया जाता है। फिर कंपनी का लोगो तथा स्टिकर लगाकर पैकिंग की जाती है और मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से शैम्पू बनकर तैयार होता है। अब बात करते हैं फेयर एंड लवली क्रीम की। दोस्तों, अक्सर लड़कियां चेहरे का रंग गोरा करने के लिए फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल करती है, लेकिन क्या आपको पता है फैक्ट्री में फेयर एंड लवली क्रीम कैसे बनती है? इसे बनाने के लिए कई प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अगर ये क्रीम आपके चेहरे पर लगाते हैं तो आपको इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए डिस्टिल मोनोग्लिसरीन एसिड, सिट्रिक एसिड, दूध क्रीम तथा अन्य कई प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रीम को बनाने के लिए एक बड़े से मिक्सचर में दूध क्रीम डालकर इसके अंदर मिनरल वाटर मिक्स किया जाता है। फिर इसके अंदर फेयर एंड लवली क्रीम के सभी केमिकल्स को डाल दिया जाता है और मिक्स किया जाता है। इसके बाद मिक्सचर को अच्छे से चलाकर इस मिश्रण को एक क्रीम में बदल लिया जाता है। उसके बाद क्रीम को एक मशीन में डालकर फेयर एंड लवली क्रीम के ट्यूब में भर दिया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है और आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकिंग की मशीन बड़ी ही तेज़ी से फेयर एंड लवली क्रीम के बॉक्स में बंद कर देती है। उसके बाद इनको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से फेयर एंड लवली क्रीम बनकर तैयार होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं लिपस्टिक की। दोस्तों, फैक्ट्री में लिपस्टिक बनाने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऑयल यानी कि तेल, वैक्स यानी कि मोम, अल्कोहल और अलग अलग रंगों के लिए पिगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इन चार चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक रोलर मशीन में डाल दिया जाता है। ये रोलर इस मिक्सचर को एक पेस्ट में बदल देती है। उसके बाद इस पेस्ट को तेल में डालकर सही तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे लिपस्टिक के अंदर चिकनाहट पैदा हो जाती है। उसके बाद इसे एक दूसरी रोटेटिंग मशीन में डाल दिया जाता है और फिर लिपस्टिक के आकार के बने मोल्ड में एक मिश्रण भरा जाता है। इन मोल्ड के अंदर ये लिक्विड कुछ ही देर में जमकर ठोस बन जाता है। उसके बाद लिपस्टिक की खाली बोतलें इन मोल्ड के ऊपर रख दी जाती है। फिर प्रेसिंग मशीन के जरिए इन बोतलों को मोल्ड में प्रेस किया जाता है ताकि मोल्ड में मौजूद लिपस्टिक इन बोतलों में अच्छे से फिट हो जाए। फिर लिपस्टिक बोतलों को कन्वेयर के जरिए आगे भेजकर कवर के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके बाद इन बोतलों को स्टिकर लगाकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से ये सब चीज़ें बनती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।